दिन का तहसील जो हुआ करती थी, अभी भी है, मंडी की तहसील हुआ करती थी और मंडी आप इंडिपेंडेंट जिला बन गया है, जिदी अजे भी तहसील ये इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जी कादराबाद क्रॉस करके पालिया शहर में पहुंच चुके हैं। ये है पालिया सिटी, जो कभी जिला गुजरात की एक तहसील था। उस वक्त मंडी बहाउद्दीन इसकी सब तहसील थी। आज मंडी बहाउद्दीन एक ज़िला है और ये उसकी तहसील है। ये है जी मौला पालिया। हम बड़े अरसे बाद पालिया में आए हैं और काफ़ी कुछ तब्दील है हो चुका है, यहाँ पे तरक्की कर गया है, मॉल वगैरह बन गए हैं। और ये इस वक्त हम चल निकल रहे हैं जी इसके बाजार से, जो वहाँ पे लारी अड्डा होता था और ये इस वक्त उसके साथ साथ सारा ये बाजार। फालिया को क्रॉस करके हम आगे निकले हैं जी। अब हमारी मंजिल है जी चम्बट मॉडल एग्री फार्म। वहाँ पे हम जरा घूमे फिरेंगे, गुल साहब अपने खेती बाड़ी को कुछ देखेंगे और अपने वहाँ पे जो काम करने वाले उनको कुछ समझाएंगे, उनसे रिपोर्ट लेंगे और कुछ वहाँ से हम लेंगे माल्टे और फिर वहां से जी हम आगे निकलेंगे। कैमरा पे सूरज पड़ने की वजह से जरा और कलर सही नहीं था, तो इसलिए हमने जरा वीडियो को फास्ट कर दिया। ये जी हम उस बिल्कुल पहुंच गए हैं करीब। ये एक खूबसूरत मस्जिद है जो इनके झम्मट फार्म एग्री फार्म के बिल्कुल साथ वाले डेरे पे बनाई गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। टाइम नहीं था वरना हम इसके आपको तफसील से वीडियो बनाते। यहाँ से जी झम्मट मॉडल फार्म की ज़मीन शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त यहाँ से दोनों तरफ उन्हीं का सारा ये किन्नू का बाग है जी, बहुत खूबसूरत और लम्बा चौड़ा, और दरमियान में ये रास्ता है। ये दरख्तों की लाइन है जो एक खाल पे, पानी के खाल पे बनी हुई है, लगे हुए हैं ये दरख्त सारे, और ये किन्नू के बागात हैं। किन्नू के हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छा किन्नू पैदा होता है जी, और इस फार्म में भी बहुत काफ़ी किन्नू के बागात हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी का किन्नू प्रोड्यूस होता है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। यहाँ भी हम भी हम जी डेरे पे पहुँचेंगे। वहाँ पे आपको खूबसूरत तीतर, उसकी आवाज़ें और बाकी सारा सीन दिखाते हैं जी। अभी हम जी ये बस पहुँच गए हैं। ये डेरे के इर्द गिर्द की जगह ज़रा खाली रखी जाती है, इस जहाँ पे गंदम और दूसरी ज़रूरी फसल होती है। देखिए जी खूबसूरत सीन, और ये इधर डेरा है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं काम शाम और इंतज़ाम के लिए वो हैं। ये एक खूबसूरत मंजर जी, ये पुख्ता खाल, इसमें चलता हुआ लहराता पानी, ये पॉपुलर दरख्त की लाइन इसके साथ, और ये खूबसूरत ओपन एरिया जहाँ पे गंदम की काश्त और दूसरी छोटी फसलें हैं, और बाकी दूर दूर इसके दूर अब बाकी आपको बागात नजर आएंगे। ये वाला साथ साथ का एरिया थोड़ा सा खाली रखा जाता है जरूरी फसलों के लिए और वैसे भी ज़रा सिक्योरिटी पर्पज हवा के लिए। गुल साहब अपने वो मैनेजर कह लें, मुंशी कह लें, उससे गपशप कर रहे थे। ये देखें जी यहाँ पे ये पहले आड़ू का बाग है, ये दरमियान में रास्ता है, दोनों तरफ बाग लगा हुआ है, आगे किन्नू का बाग शुरू हो जाता है और यहाँ पे पहले आड़ू का बाग है। यहाँ से जी घूम फिर के उन्होंने सारे अपने रिपोर्ट वगैरह ली, तो अब हम आप स्टेरे पे जा रहे हैं। माल्टे आ चुके होंगे तो वो उसको रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं जी माल्टे। तीतर की आवाज़ को सुना जी आपने, देखा भी, ये हमारा सरगोधा और मंडी का एक कल्चर है।
लोग तीतर पालते हैं, बड़े शौक से रखते हैं। ये तालिब हुसैन साहब हैं जी जो यहाँ पे ही रहते हैं और ये करते हैं। ये देखें जी माल्टे डिक्की में रखे जा चुके हैं। आजकल अभी किन्नू खट्टा है तो ये मौसमी और फ्लूटर वगैरह हैं। अब हम जी जरा वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मलिक साहब ज़रा थक के बैठ गए हैं जी चारपाई पे। कुल साहब भी ज़रा ज़्यादा ले रहे हैं और अपनी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने काम शाम के सिलसिले में। तो अभी हम आपको जी ये देखे किन्नू के बाग का नज़ारा करवा रहे हैं। ये किन्नू के सारे आगे बागात का एक लाइन चलती है, उससे पहले ये खाली ज़मीन पे दूसरी फसलें बाग से खाली वैसे तो फसलें हैं। तो गुल साहब और मलिक साहब ज़रा गपशप भी कर रहे हैं और बाकी चीज़ें देख रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। हुक्का और तीतर वाला कल्चर सरगोदा और मंडी का जी। वापसी का सफर जी शुरू। मौसम अब जी हमारी अगली मंजिल है जी सरगोदा भलवाल का एक गांव। ये आप दोनों तरफ किन्नू के बागात देख रहे हैं जी, खूबसूरत किन्नू के बागात और खूबसूरत नजारा दरमियान में सोलंग इसको कहते हैं हम जी। पगटंडी छोटा रास्ता, पगटंडी तो नहीं सोलंग जरा पुख्ता रास्ता होता है और दोनों तरफ बागात हैं किन्नू के खूबसूरत। तो अब हम जहाँ से आगे रवाना हो रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, तो यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि थोड़ा सा बाकी का सफ़र इंजॉय करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये खूबसूरत डेरा और इसी पे वो खूबसूरत मस्जिद है जो आते हुए हमने आपको दिखाई है। अफसोस के इसको हम तफसील से वीडियो नहीं बना सके, ये खूबसूरत मस्जिद। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले और सफ़र में। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।